Thyroid. Most of the people today are suffering from hypothyroidism. Why is this so? Thyroid is a lifestyle disease which occurs because of the poor lifestyle choices that we make. Aaj, 1 out of every 10 people has thyroid. Aisa kyun? Just because hum log galat khana kha rahe hain? Just because hum log exercise nahi kar rahe hain? Well, yeah. Agar aap bhi unme se ek hain, then this video is for you. Hello, welcome to my channel, My Mind is Art. I am Tanvi Gupta, your next door nutritionist. Yes, I am a certified nutritionist now. आज की वीडियो में हम थायराइड के बारे में बात करेंगे. आज मैं आपके साथ टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू थायराइड डिस्कस करूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थायराइड? थायराइड होता क्या है? सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज थायराइड लीड टू वेट गेन? थायराइड से हम मोटे क्यों हो जाते हैं? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थायराइड? मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे थायराइड है? क्या क्या होगा मेरी बॉडी में, कैसे पता लगाऊं? फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन आई क्योर थायराइड? मैं अपने थायराइड को क्योर कैसे कर सकती? एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ गुड डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज रूटीन व्हिच आई कैन फॉलो इफ आई हैव हाइपोथायरॉयडिज्म? मैं क्या डाइट और क्या एक्सरसाइज फॉलो करूं ताकि मेरा थायराइड क्योर हो जाए? सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन 5 क्वेश्चन में से किसी भी एक भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, देन प्लीज स्टे ट्यून्ड. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज थायराइड? थायराइड है क्या? थायराइड एक हमारी बॉडी का बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है. सो अब होता क्या है? थायराइड एक, अगर हम एज अ डिजीज की बात करें, थायराइड डिजीज नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज है. हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज है, थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड है. अभी हाइपो और हाइपर होता क्या है? हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ अ बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस. अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता कैसे है, क्या होता है. हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का बॉस है. इसमें प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस TRH है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है. अब वो क्या करता है, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि थायराइड को स्टिम्युलेट करो, तो वो बोलता है TSH निकालो, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. अब TSH आगे जाकर हमारे थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि T4 रिलीज करो, और T4 आगे जाकर बन जाता है T3. ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. अब इसमें एक चीज को और ध्यान रखना है कि जब T4 बनता है हमारी बॉडी में, T4 के लिए 2 चीजों का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले आयोडीन एंड सेकेंड इज टायरोसिन. टायरोसिन एक प्रोटीन है और आयोडीन एक एलिमेंट है. इन दोनों का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमें थायराइड का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में. 2 केसेस होते हैं, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपो मींस लेस, सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ कंडीशन इन विच हमारा T4 और T3 लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं. इस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में आयोडीन और टायरोसिन इनफ प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से T4 या T3 इनफ प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे TSH लेवल्स तो हाई आते हैं. बिकॉज जब T4 और T3 कम है तो हमारा TSH इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ब्रेन बोलेगा और TSH निकालो, लेकिन T4 और T3 तो बन ही नहीं पा रहे. इस सिचुएशन को, इस होल सिनेरियो को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड सिमिलरली वाइस वर्सा हैपेंस इन हाइपरथायरॉयडिज्म. बट हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ वेरी 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 रेयर केस, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इज सो कॉमन दैट 1 out of every 10 पीपल एक्सपीरियंस और सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज हाइपोथायरॉयडिज्म लीड टू वेट गेन? ग्लैंड का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में तो है, बट वो करता क्या है? थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी को पूरा एक तरह से कंट्रोल करता है. हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट रेट कंट्रोल करता है, हमारे एनर्जी लेवल्स कंट्रोल करता है. मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी. इन हाइपोथायरॉयडिज्म व्हेन वी हैव लो T4 एंड T3 लेवल्स, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है. दैट मींस हम जो भी खाते हैं हमारा वो इतनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, बट वो एज फैट स्टोर्स स्टोर हो जाता है. मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ T4 या T3 प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. अब वो क्यों होता है? एज आई सेड, इट इज अ बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस डिसऑर्डर. नाउ व्हेन मेटाबॉलिज्म स्लोस डाउन, आवर फूड इज नॉट डाइजेस्टेड और यूज्ड अप एज एनर्जी प्रॉपरली एंड क्विकली, एंड हेंस वी गेन वेट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म? मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे थायराइड हो रहा है या मेरे बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो रही है? अगर आपको फटीग, वीकनेस, जॉइंट पेन, डिप्रेशन, हाई लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इरेगुलर पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेयर फॉल,
ड्राई स्किन या ऐसी कोई सी भी अगर आपको ये चेंजेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, सो दैट मींस यू हैव हाइपरथायरॉइडिज्म। अब एक बात का और ध्यान रखना है, ये चेंजेस एक साथ नहीं आते या फिर एक एक करके नहीं आते, ये एकदम सडनली आते हैं। सो अगर आपको ये कोई भी चेंज सडनली फील होता है कि सडनली आपका वेट गेन हो गया है, ये सडनली आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो गया है, सो दैट मींस यू हैव हाइपरथायरॉइडिज्म। एंड अपने आप ही आप कुछ भी डाइट मत फॉलो करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे सडनली ये चेंजेस एक्सपीरियंस करे हैं, देन फर्स्ट विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म। एंड आई विल ऑल्सो से दैट प्लीज डोंट स्टार्ट द मेडिकेशंस इमीडिएटली। थायराइड कैन बी क्योर्ड विदाउट मेडिकेशंस। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो डोंट स्टॉप टेकिंग देम, बट अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है मेडिकेशंस लेना, देन डोंट स्टार्ट। थायराइड का सबसे अच्छा जो सीक्रेट ड्रिंक है, एंड एक्चुअली इट वर्क्स, वो मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी इन द अपकमिंग वीक्स, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट और द फोर्थ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। हाउ कैन आई क्योर थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म? मैं अपने हाइपोथायरॉइडिज्म को कैसे क्योर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ फ्यू पॉइंटर्स हेयर एंड देयर, सो यू कैन वॉच योर स्क्रीन एंड नोट देम डाउन। हाइपोथायरॉइडिज्म में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, 200 मिनट्स इन अ वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 200 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इफ यू हैव हाइपोथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड टू ईट एन आयोडीन रिच डाइट। आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हाइपोथायरॉइडिज्म में जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में आयोडीन कम हो जाता है, तो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ईटिंग एन आयोडीन रिच डाइट। अब आयोडीन किन चीजों में पाया जाता है? आयोडीन होता है डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड, एग्स, पनीर। आयोडीन होता है स्ट्रॉबेरीज, कैरेट्स, बनाना। और अगर आप लोग मेडिकेशंस लेते हो ना, तो अपने डॉक्टर से पूछ रहे किस चीज की मेडिकेशन ले रहे हो, वो जो मेडिसिन है ना, वो आयोडीन की ही मेडिसिन है, बिकॉज थायराइड में ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आयोडीन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, बिकॉज ऑफ विच हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, वो जो मेडिसिन होती है ना, वो आयोडीन की मेडिसिन होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आपको अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो आपको बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खाने हैं। मैंने आपको बताया था टायरोसिन, रिमेंबर टायरोसिन इज अ प्रोटीन, सो आपको बहुत हेल्दी एंड गुड प्रोटीन्स खाने हैं। प्रोटीन्स कहाँ से खाएं? एग्स, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, डेयरी, मिल्क, ग्रीक योगर्ट, योगर्ट, पनीर, एंड लास्ट दाल्स। साबुत मूंग की दाल बहुत अच्छी है हाइपोथायरॉइडिज्म में, बहुत अमेजिंग। उसमें सेलेनियम भी होता है जो हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, सो ऑल इन ऑल इट इज रियली अमेजिंग फॉर हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स। ओके, सो हम लोग दाल रोटी सब खाते हैं, और वेट लॉस के लिए दाल रोटी खाकर हम वेट लॉस आराम से कर सकते हैं, बट जब बात हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स की आती है तो आपको होल ग्रेन्स खाने हैं, आपको गेहूं नहीं खाना है, आपको मिक्स्ड आटे की रोटी खानी है। आप गेहूं के साथ दो तीन और आटा मिला लो, जैसे आप सोयाबीन का आटा मिला सकते हो, आप चावल का आटा मिला सकते हो, आप बेसन, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई से भी आटे को मिक्स करके, तीन चार तरह के आटों को मिक्स करके आप उसकी रोटी खाइए, या फिर आप मल्टीग्रेन आटा बाजार से जाइए उसकी रोटी खाइए। व्हाइट राइस नहीं खाने हैं, आपको ब्राउन राइस खाने हैं। हाइपोथायरॉइड में इन जी छोटी छोटी बातों का ना बहुत असर पड़ता है, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथायरॉइडिज्म में स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है 7 to 9 आवर्स की डीप कंफर्टेबल साउंड स्लीप। तो अगर आप अभी अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, देन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू स्लीप ऑन टाइम, टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 to 9 hours, एंड टू हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप। बिकॉज अगर आपकी स्लीप अच्छी रहेगी, बॉडी रेस्ट करेगी, आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल हो जाएगा, एंड आपका हाइपोथायरॉइडिज्म क्योर हो जाएगा। ओके, सो ये सब तो चीजें थी जो आपको करनी है, अब कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, यू डोंट हैव टू ड्रिंक टी, कॉफी और कैफीनेटेड ड्रिंक्स। ये हमारे हाइपोथायरॉइडिज्म में बहुत ही ज्यादा पुअर होती है हमारी बॉडी के लिए, सो यू हैव टू अवॉइड देम एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कोनीफेरस वेजिटेबल्स या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खानी। मैं पर्सनली सबको चलाओ करती हूँ, बिकॉज हर चीज को करने का एक तरीका होता है। आपको जो क्रूसीफेरस या कोनीफेरस वेजिटेबल्स जो हमारे डॉक्टर्स मना करते हैं, वो कच्ची नहीं खानी, यू डोंट हैव टू ईट देम रॉ।
coniferous cruciferous vegetables like cabbage, broccoli, cauliflower, spinach, ये सब आपको कच्ची नहीं खानी है. आपको अगर खाना है तो आपको इनको प्रॉपरली कुक करके खाना है. जरा सा भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए. आप अगर उन्हें कुक करके खाओगे तो उससे आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, इवन इफ यू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म. नाउ द लास्ट पॉइंट, जो तीसरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि आपको गोइट्रोजेंस नहीं खाने हैं. गोइट्रोजेंस किस किस चीज में होता है? टोफू, सोयाबीन, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है बिकॉज इसमें गोइट्रोजेंस होते हैं. आपकी बॉडी को गोइटर इस वक्त नहीं चाहिए, तो इस वजह से आपको इनको भी अवॉइड करना है. So these were all the guidelines that you need to follow if you want to cure your hypothyroidism. Now let's move on to the next part of the video. Okay, so now let's move on to the last part of this video, which is a diet plan and exercise. सबसे पहले मैं exercise के बारे में बात करना चाहूंगी and मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको hypothyroidism है then आपका metabolism तो बहुत ज्यादा slow हो चुका है. तो आप कुछ भी एक्सरसाइज करोगे ना वो बहुत ही ज्यादा धीरे वर्क करती है हमारी बॉडी पे. अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल पर्सन एक घंटे में सपोज 100 कैलोरीज बर्न कर रहा है, तो एक हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट एक घंटे में मे बी 60 और 70 कैलोरीज ही बर्न करता है. इसलिए इफ यू हैव हाइपरथायरॉयडिज्म देन आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म. आपको अपनी एक्सरसाइज का खास ध्यान रखना होगा एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 30 टू 40 मिनट्स की कार्डियो विच कैन बी योर सिंपल वॉक, आपको वो जरूर करनी है. एंड उसके साथ आपको एब्स की एक्सरसाइज, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज, आर्म्स की एक्सरसाइज, शोल्डर्स की एक्सरसाइज, ये सभी का आपको ध्यान रखना है और ये रेगुलरली करनी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डाइट प्लान. आपकी स्क्रीन पर एक डाइट प्लान शो हो रहा होगा. ये डाइट प्लान आप इजिली फॉलो कर सकते हो अगर आपको थायरॉयड है. ये बहुत ही ज्यादा एक बेसिक डाइट प्लान बनाया गया है अराउंड 1500 टू 1800 कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. एंड इफ यू नीड अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली एंड आई विल गिव दैट टू यू. ऑल माई लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपने आज की वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय करी होगी एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए. Also, before leaving, अगर आपके पास कोई भी video suggestions हैं या कोई भी questions हैं regarding your nutrition or regarding any diet or your maybe health issues, then you can email me on my email ID. You can contact me through my website. You can also DM me on my Instagram and you can also leave a comment down below. I will see you in my next one, guys. Bye bye. Take care.